नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं प्रियंका। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने राजस्थान में एक फेज में मतदान कराने का ऐलान किया था। बड़ी संख्या में शादी विवाह के कार्यक्रम को देखते हुए आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव कर दिया और अब वोटिंग 23 नवम्बर की जगह 25 नवम्बर को होगी। बीजेपी की सूची में जिन 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था उनमें से 31 नए चेहरे हैं। पार्टी ने 7 सांसदों को भी टिकट दिया है जिसमें महारानी दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नाम भी शामिल हैं। वहीं टिकट की आस लगाए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को निराशा हाथ लगी है। ऐसे नेताओं को भी जिनका टिकट पक्का माना जा रहा था। बीजेपी की पहली सूची में जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों की तादाद अधिक बताई जा रही है। इसे लेकर राजस्थान की सियासत में बवाल मच गया है। टिकट कटने से नाराज आधा दर्जन से अधिक नेता या उनके समर्थक खुलकर विरोध में उतर आए हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि पार्टी सूबे में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी को चेहरा बनाए बिना मैदान में उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मंच से ये ऐलान कर चुके हैं कि राजस्थान चुनाव में कमल निशान हमारा नेता होगा। सूबे की सियासत में 1998 के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी बिना किसी चेहरे के सेंट्रल लीडरशिप के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है। कहा तो ये भी गया था कि वसुंधरा की प्रेशर पॉलिटिक्स वाली इमेज के कारण पार्टी नेतृत्व ने अब सूबे की सियासत में उनसे आगे देखने का मन बना लिया है। दिया कुमारी की दिल्ली में जिस तरह से धाक भरी, राजस्थान में धमक भरी, कयास लगाए जा रहे हैं कि महारानी का विकल्प महारानी ही हो सकती है। इन कयासों को पार्टी के पोस्टर से गायब वसुंधरा की तस्वीर, धुर विरोधी सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद और हवा मिल गई। चुनावी साल में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला और पोस्टर पर वसुंधरा की वापसी भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों में वसुंधरा मंच पर जगह तो बना पाई लेकिन पार्टी में चुनाव में उनके चेहरे को आगे कर उतरने से परहेज किया गया। नेतृत्व को लेकर चर्चा शुरू हुई तो वसुंधरा ने परिवर्तन यात्राओं से भी दूरी बना ली। जयपुर पहुंची बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने वसुंधरा के साथ अलग से बैठक की। वसुंधरा के साथ नड्डा शाह की बैठक को महारानी की नाराजगी दूर करने की कोशिश के रूप में भी देखा गया था और इसके बाद एक्टिव मोड में भी नजर आई। लेकिन अब बीजेपी की पहली सूची में कई समर्थकों के टिकट कट जाने के बाद कहा जा रहा है कि वसुंधरा नाराज है। हालांकि वसुंधरा ने सार्वजनिक रूप से इसे लेकर कुछ नहीं कहा, न नाराजगी जाहिर की। बीजेपी की पहली सूची आने के बाद वसुंधरा राजे ने उन नेताओं को बधाई जरूर दी थी जिनका नाम सूची में है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।